और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण परसों का तुम्हें याद होगा दीपिका, किस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर करारा वार किया और साथ ही सदन के अंदर अब की बार 400 के पार की एक बार फिर से गूंज सुनाई दी। अब ये जो टारगेट है वो सेट तो कर दिया गया है, लेकिन इसे अचीव करने के लिए बीजेपी रणनीति भी बना रही है। जी हाँ, बड़े प्लान की तैयारी है क्योंकि बड़ी जीत की उम्मीद यहाँ पर बीजेपी और पूरी एनडीए कर रही है। ऐसे में क्या प्लान बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, गांव से लेकर शहर तक क्या अभियान चलाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। जीत के इसी जश्न को बरकरार रखने और प्रधानमंत्री मोदी के दिए टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी युद्ध स्तर पर झुकी है। लोकसभा चुनाव में 400 पार का टारगेट हासिल करना है, लिहाजा बीजेपी हर वो रणनीति को अपनाना चाह रही है जिससे वो सीधे हर एक वोटर से जुड़ सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव चलो अभियान के बाद बीजेपी 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा अभियान चलाने जा रही है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मुहिम का आगाज करेंगे। क्या है बीजेपी का गांव परिक्रमा अभियान, जरा इसे समझते हैं। हर घर तक पहुंचना मकसद, नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ना, पुराने वोटर्स को साथ रखना, गांव-गांव में कौमी चौपाल लगाना, मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाना, 40 दिनों तक यह अभियान चलेगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 303 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं पार्टी 2014 के चुनाव में 282 संसदीय सीटों पर विजयी हुई थी। पार्टी ने इस बार एनडीए का टारगेट 400 प्लस तय किया है, लिहाजा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है।